हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आपका स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, दिस वीडियो इज गोना स्पेशल वीडियो डेट इज 1K सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीडियो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मई में मैं आपके लिए 1K स्पेशल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में ना मैं, ना आप, ना कोई, ये वीडियो हम सबके लिए होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, उससे पहले बता दूँ अपने बारे में कि मैं आई एम अ स्टूडेंट गौरव सिंह एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है। और मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो एज़ पर माई नॉलेज, ठीक है, मैंने जितना सीखा है, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोज़ भी देखी होंगी, जैसे कि 3 years पहले मैंने डाली थी हाउ टू टर्न फेलियर टू सक्सेस, है ना, और स्टोरी ऑफ एन IAS ऑफिसर सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी वीडियो आपने देखी होंगी, ट्रेलर में देखी होंगी, और अगर आपने वो फुल वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका अब मैं 1K स्पेशल वीडियो, और ये स्पेशल वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपके पास आगे के 20 से 25 मिनट हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं, और उससे पहले बता दें कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, ठीक है। और हाँ, हमारा जो पॉडकास्ट है उसको आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, और इससे पहले बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, पहले की जैसे आपने देखा होगा कि पहले की वीडियोस में हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, और मैंने बनाई थी एक स्टोरी ऑफ एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, ये भी एक वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है, बट इसमें उन सारी वीडियोज़ का कॉम्बिनेशन होने वाला है, और ये एक बिगेस्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो पहले की वीडियोस में हमने क्या देखा था, हमने ये बात की थी कि हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, ठीक है। फिर मैंने बात की थी कि फेलियर इनटू सक्सेस के 3 parts मैंने निकाले, फिर स्टोरी ऑफ एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो उन सब वीडियोस में आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, कौन सा स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट है, वो आपको फिर से बता देता हूँ। तो जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो हम बात करते हैं, ठीक है। माइंड्स आर लाइक पैराशूट, दे ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन, जैसे कि आपने पहले के वीडियोस में भी देखा होगा, ठीक है। तो माइंड्स आर लाइक पैराशूट, दे ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन, मतलब माइंड जो है वो हमारे एक पैराशूट की तरह होते हैं, ठीक है। मीन्स जब तक आप पैराशूट को नहीं खोलते हैं तब तक वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका जो माइंड है, जब तक आप उसे नहीं खोलेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि मैं हर वीडियोस में देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे कर लेते हैं कि आज फिर हम पहले ये बात करेंगे कैसे हम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? और फिर हमें पास्ट को कैसे भूल के आगे की चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी लॉकडाउन का जो स्पेशल थिंग है वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कैसे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले की बात तो ये आती है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जैसे कि आपका एक मान लीजिए, ठीक है, एक मान लीजिए एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल बाद में पहले आपको बता देता हूँ कि देखो हमारी इंडिया कंट्री में, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में ही, जैसे कि ऑब्वियसली आप जानते हैं इस समय तो COVID-19 चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ही सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी आई हैं, ठीक है, थीके? हाँ, तो हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले कि प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको कैसे रिकवर करने, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो कोविड की है, लेकिन आज की ये वीडियो सबके लिए होने वाली है, ठीक है, तो सबका इसमें भला हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू टर्न फेलियर टू सक्सेस से, ठीक है। तो देखिए, लॉकडाउन से अगर हम बात करें तो लॉकडाउन में हमारा COVID-19 आया था, ठीक है। कब आया था हमारा? 31 December 2019 को आया था, और इंडिया में केस आने लगे थे हमारा जनवरी से, ठीक है। तो जनवरी से केस आए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, तब से क्या है, जितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मीन्स आपके मार्च से, ठीक है, मार्च से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सब बंद हो गए, ठीक है, बंद हो गए। फिर आपके कुछ सितंबर में खुले थे, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, तब आप लोग गए, फिर तब भी आपको कंसेंट लेटर से जाना होता था, ठीक है। अब आती बात, अब जब बाद में
जब थोड़ा नॉर्मल होने लगा था मीन्स आपका दिसंबर से फरवरी तक, ठीक है, तो आप जाने लगे, ठीक है, तब कोई तब बस कंसर्न लेटर था, लेकिन हाँ, लेकिन सब लोग जा रहे थे स्कूल। फिर बाद में क्या हुआ, फिर हमारा कोविड 19 के जो केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो दोबारा से हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर से अब सब लोग घर पे ही बैठे हैं, ठीक है, तो अभी तो स्कूल इंस्टीट्यूशन तो बंद ही, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग की चल रही होंगी, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि अभी मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सारी हर लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट्स में पार्ट पार्ट में डिवाइड को करके हम पूरी वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी तो हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन जो है वो सब चल रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन हमारे बंद है, एग्जाम्स हैं वो भी कैंसिल हो गए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम वो भी कैंसिल हो गए, नीट के एग्जाम से पोस्टपोन हो गए, ठीक है, जेई के एग्जाम से पोस्टपोन हो गए, ठीक है, तो सारे एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं या तो फिर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि अब क्या जो स्टूडेंट्स हैं उन पर प्रेशर आने लगता है कि हाँ अब एग्ज़ाम कैंसिल हो, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हैप्पी होंगे कि हाँ चलो एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन कुछ होंगे कि वो उनको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम होने चाहिए, ठीक है, और कुछ होंगे कि पोस्टपोन हो जाते, ठीक है, तो पोस्टपोन होके अगर पोस्टपोन हो भी जाते, ठीक है, तो उससे क्या है फिर हमारा जो नेक्स्ट ईयर था उसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो भी एक सही रीज़न है, और बाकी हमारी प्रिकॉशंस पहले हेल्थ है फिर बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, फिर देखो बात करते हैं, तो ये तो हमने बात कर ली ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन की बात कर ली, ठीक है, और बाकी और भी कोरोना पैंडमिक की वजह से बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, जैसे कि बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम हुई थी, कोई बहुत ही सारे लोगों की जॉब चली गई थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब उस सब चीज़ों को छोड़ के हमें कैसे आगे मैनेज करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि अगर अभी तो आप लोग घर पे आएंगे, ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी हॉबी फॉलो करने के लिए, ठीक है, मीन्स अगर आप खाली बैठे हैं तो आप ऐसे में कुछ काम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ही सही चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने भी अपना एजुकेशन मैंने भी जो चैनल खोला है तो उसकी वजह से लॉकडाउन में ही वो आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है कि 1000 स्पेशल वीडियो आज बना रहा हूँ मैं, 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और एक मैंने एजुकेशनल चैनल खोला है जिसमें वो भी लॉकडाउन में था, तो जब मैंने पढ़ता था तो उसे नोट्स बनाता था, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे थे, हाँ, तो मैंने भी सोचा मैं भी बनाता हूँ, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो भी चैनल ठीक है ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, और ये भी चैनल 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लॉकडाउन में कि आपको अपनी हॉबी फॉलो करनी है, ठीक है। अब आप उसे कैसे कर सकते हैं, देखिए उसमें वो तो आपके ऊपर, देखिए हर एक बंदे में अंदर टैलेंट होता है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो आपको खुद ही पता चलेगा, वो और कोई नहीं बताएगा, वो आपको खुद को पता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से आपको उससे रिलेटेड कोई चीज़ें बनानी है, ठीक है। हाँ, आपको उससे रिलेटेड चीज़ें करनी है, आपको आर्ट आती है तो आप आर्ट बना सकते हैं, फिर उससे आर्ट को आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ठीक है, या यूट्यूब चैनल बना लिए उस पर डालिए, तो आर्ट वाले चैनल भी बहुत ग्रोथ है। अगर आप में से कोई भी जो वुमेंस हैं, ठीक है, जो आंटी लोग हैं, वो लोग क्या कर सकती हैं, वो लोग कुछ ब्यूटी से रिलेटेड बना लें, ठीक है, और या तो कुकिंग से रिलेटेड बना लें, कुकिंग चैनल तो बहुत ही ज़्यादा चलते होंगे, आपने यूट्यूब पर देखा होगा ट्रेंडिंग में सारी कुकिंग वाले ही आ जाते थे अब तक, ठीक है। और बाकी जो मेंस हैं वो अगर जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर्स का भी इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डॉक्टर हैं अगर आप तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बिजनेस रिलेटेड करते हैं तो बिजनेस रिलेटेड आप वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक इसमें आप यूट्यूब में चाहे जो बना दीजिए, ठीक है। तो वो आपको हॉबी आपके ऊपर है, वो आपको पता होगी कि आपका क्या टैलेंट है और आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप अपने आप से बना सकते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। तो ये इस लॉकडाउन में आपको ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप ये कर सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। उससे क्या है, आपका जो टैलेंट है वो सबको पता चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आप अप्रिशिएट कर ले जाएंगे सब लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैसे हमें पीछे की चीज़ों को छोड़ के आगे की चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, ठीक है, हाउ टू कोप अप विद अ फेलियर टू सक्सेस, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमने बात कर ली अपना लॉकडाउन के बारे में कि कैसे आपको उसे हॉबी को कन्वर्ट करना है, कैसे आपको इसका बेनिफिट उठाना है, ठीक है, आपको बेनिफिट कैसे उठाना है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। अब जरा बात कर लेते हैं हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, ठीक है। इसके बारे में बात है हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है दैट, देखिए, मिस्टेक्स आर नॉट ए प्रॉब्लम बट इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप गलती जो कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, जो गलती आप कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो आप गलती कर रहे हैं उसे आप समझ के सुधार नहीं रहे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, ठीक है, गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलती करके अगर आप उसे दोबारा से गलती कर रहे हैं या उसे सुधार नहीं रहे तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत करेगी, ठीक है। तो सबसे पहली तो फेलियर टू सक्सेस में ये चीज़ सबसे पहले नंबर पर आती है, ठीक है, कि जो आपने गलती की है उसे आप पहले सुधारिए, उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है। पहले तो उसे आप देखिए गलती आपने क्या की है, दोबारा उसे देखिए, फिर उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है, और फिर तीसरी बार में उसे सुधार लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती को ना सुधारना ये गलत बात है, ठीक है। तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा।
फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो हमारा कहता है, फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो कहता है बी केयरफुल टू योरसेल्फ बिकॉज यू आर लिसनिंग टू इट। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि आप सावधानी बरतिए जब आप किसी से बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं आप वो सामने वाला नहीं सुन रहा है। ठीक है, सामने वाला नहीं सुन रहा है, वो हम खुद सुन रहे हैं। ठीक है, हम तो जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है, आसपास जो मेरी सराउंडिंग्स में होंगे वो भी सुन रहे होंगे। ठीक है, मीन जब आप कहीं पे पब्लिकली स्पीक करते हैं या आप घर में किसी से बोलते हैं तो ऐसा है, जब आप किसी और से बोलते हैं, अपने फ्रेंड से बोलते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं, सिबलिंग से बोलते हैं, तो आप क्या ये समझते हैं कि वो सामने वाला सुन रहा है, आप नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, सामने वाले को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप जो बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलिए कि सामने वाले की फीलिंग को हर्ट ना हो, आपकी फीलिंग को हर्ट ना हो। ठीक है, जिससे क्या फेलियर टू सक्सेस में ये एक सेकंड मेजर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कि सामने वाले को भी कुछ दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप कुछ बैड वर्ड ना बोलिए। क्यों? क्योंकि वो आप भी सुन रहे हैं और सामने वाला भी सुन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें एक इंपॉर्टेंट बात आती। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, पॉइंट कहता है इट इज़ बेटर टू डू इम्परफेक्टली देन डूइंग नथिंग। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे आप करिए। ठीक है, परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मत करिए। ठीक है, परफेक्ट नहीं कर पाए, परफेक्टली मत करिए, इम्परफेक्टली होगा। ठीक है, मीन्स थोड़ा तो सही होगा, एकदम सही होगा, थोड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो तो गलत बात है। ठीक है, वो तो फिर अलग ही साइड में जाता है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ ना करके कुछ तो करना ही है। ठीक है, कुछ ना करके आपको कुछ तो करना ही है, तो कुछ ना करके कुछ तो करना ही है। ठीक है, कि जब भी कोई पैदा होता है तो उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता है। ठीक है, और ना ही कोई किसी को बाइक चलाना नहीं आता, कार चलाना नहीं आता है। ठीक है, या फिर कोई एकदम टॉपर नहीं पैदा होता है। ठीक है, टॉपर बनना पड़ता है। ठीक है, और कैसे बनते हैं, कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ आपको क्या करनी है, उसे मैनेज करनी है। ठीक है, इम्परफेक्टली कीजिए, बाद में आप उसे अच्छी तरीके से कर पा रहे। एक चैप्टर को अगर आपने एक बार पढ़ा है नहीं समझ आता, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, समझ तो आएगा, कभी ना कभी तो समझ आएगा। ठीक है, तो दो से तीन बार जब आप करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे तो बढ़िया है आप कुछ ही कर लीजिए। ठीक है, अगर आप खाली बैठे हो तो उससे बढ़िया आप टाइम को यूटिलाइज़ कर लीजिए, आप कुछ और कर लीजिए, अपनी हॉबी को कर लीजिए। अगर आपको आर्ट पसंद है, आर्ट पसंद है, आप ड्राइंग कर लीजिए उतने समय में। ठीक है, अगर आपका स्टडी टाइम कंप्लीट हो चुका है तो अब आप खाली बैठे हैं, अब आप खाली टाइम में, इससे बढ़िया तो टाइम इज़ अ प्रीशियस थिंग। ठीक है, टाइम इज़ अ प्रीशियस थिंग, टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आप अपना हॉबी का कर लीजिए। ठीक है, आप उसका अपना अलग करते रहिए और अपनी स्टडीज़ करते रहिए, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब कर रही है। ठीक है, बाकी खाली टाइम में आप कुछ और कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत ही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, न्यू हैबिट्स कैसे करनी है। ठीक है, तो वो तो आपका अंदर का टैलेंट है। ठीक है, वो आपको ना मैं बता सकता हूँ, ना आपके पेरेंट्स बता सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई पेरेंट्स तो आपके ना बच्चे बता सकते हैं। ठीक है, तो हर एक बंदे के अंदर टैलेंट होता है और वो खुद को पता होता है। ठीक है, और वो पता नहीं है तो पता लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से आपको पता लगाना और फिर अपनी हॉबीज को उसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ ना करके तो कुछ करिए। ठीक है, अब आती है क्योंकि देखिए, कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। ठीक है, कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, आपको पता ही है, मैंने सारी वीडियो में बोला हूँ, इस वीडियो में बोलता हूँ, दो मेरे गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने याद कर रखे हैं, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और दूसरों का माइंड सड़ा करो डी ओनली फंक्शन वेंड यर ओपन। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखिए। अब आती है हमारा फोर्थ पॉइंट है द एनमी ऑफ द सक्सेस इज द फेलियर। ठीक है, एनमी ऑफ द सक्सेस इज द फेलियर। सक्सेस का दुश्मन कौन है? वो है फेलियर का डर। ठीक है, क्योंकि सक्सेस आप हो जाते हैं। ठीक है, फेलियर आप इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। फेलियर आधे जाते लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। ठीक है, फेलियर का डर ही कि अगर हम हार जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम हार जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हार जाएंगे तो ये नहीं होगा, हार जाएंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो जितना हम हारते नहीं है ना, उससे ज़्यादा हम खुद ही, जितना हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं कि जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता ना, उससे पहले हम 10 से 100 बार हार चुके होते हैं खुद ही, क्योंकि हमने सोच रखा हुआ है कि भाई हम हार जाएंगे तो ये होगा, हम हार जाएंगे वो होगा। क्योंकि भाई पॉजिटिविटी सोचो ना, नेगेटिविटी क्यों सोच लो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, जब तुम कुछ अच्छी चीज़ सोचोगे तो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, और ये साइंस साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, जब तुम अगर तुम रात में सो रहे हो, अगर तुमने आज का कोई चीज़ 90% स्टडीज़ में लगाया है, 10% तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाया, तो तुम दूसरे दिन भी वही करोगे। ठीक है, ये हमारा माइंड साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़। ठीक है, जो तुम आज कर रहे हो वही चीज़ तुम कल करोगे। अगर तुमने आज कोई गलत चीज़ की है तो तुम कल भी गलत चीज़ कर रहे होगे। मतलब अगर आज तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल में दे रहे हो, ठीक है, या तुम खेलने में जा रहे हो, स्टडी कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, या आप अगर बड़े लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग जॉब पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने आज का दिन ख़राब किया है तो आपका कल का दिन भी खराब जाएगा। साइंटिफिकली प्रूव है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और नहीं कह रहा है, ठीक है, साइंस कह रही है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको 90% तो आपको करना है, आप करिए, हर चीज़ करिए, ठीक है, हर चीज़ करिए, लेकिन गलत चीज़ नहीं, हर चीज़ करिए, ठीक है। अब आपको जैसे कि स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ, आपको स्टडी करनी है, ठीक है, स्टडी करिए, आप 90% स्टडी करिए, 10% आप करिए अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो दूसरे दिन जब आप करेंगे तब भी आपका मन यही करेगा, 90% आप पहले स्टडीज़ कर कंप्लीट कर लें, उसके बाद दूसरे दिन करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ, डेली टास्क आपको बनाना है, महीने का टास्क नहीं बनाना है, ठीक है। आप जीरो, आप छोटे से बच्चे हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, आप एजड हैं, ठीक है, रिटायर्ड मैन हैं, तो सबके लिए वीडियो है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, ठीक है, वन के स्पेशल है, तो स्पेशल वीडियो है ये, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने आज किया है वही आप कल भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छी चीज़ें पहले करिए और फिर बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कंसिस्टेंस एक्शन क्रिएट दी कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ लगातार कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी वैसा मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ करते जा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिलना है, ठीक है, क्योंकि आप अगर अच्छी चीज़ करें तो अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें कि कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये बात कर ली, अब हम आ जाते हैं, चलिए अब हम थोड़ा मिस्टेक्स के जो मैंने एक स्टेटमेंट बताया उसके कुछ मेजर पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है। तो मेजर पॉइंट्स जानते हैं, ठीक है, तो कुछ मेजर पॉइंट्स जानते हैं। पहला तो होता है एक्सेप्ट और दूसरा होता है इन्वेस्टिगेट। एक्सेप्ट और इन्वेस्टिगेट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए पहली बात तो जो आपने मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, जो आपने मिस्टेक्स की हैं उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। पहली बात तो जो आपने गलतियाँ की हैं उसे आपको मानना है कि हाँ ये गलती मैंने की है। अब आप उसे क्या करिए, अब आप उसे इन्वेस्टिगेट करिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कैसे करना, जो भी आपने गलती की है वो आपको पता है, पहले उसे ढूंढिए कि आपने गलती क्या की है, फिर उसे कैसे सही कर सकते हैं, ये सारे मैथड्स को ढूंढिए, ठीक है। मैथड्स आप खुद से ढूंढिए तो ज़्यादा आपका सही रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं मेजर मिस्टेक का सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है बिकम अ रिस्क टेकर, ठीक है। रिस्क टेकर कैसे बनना है, ठीक है। तो देखो, हमें ये नहीं कि हमें युद्ध लड़ने जाना है वहाँ पे हमें रिस्क लेना है, ठीक है, ऐसा मतलब नहीं कह रहा हूँ। रिस्क टेकर मतलब आप रिस्क लीजिए, ठीक है, बार बार, जैसे कि आप एक चैप्टर है, ठीक है, एक एग्जांपल से लेता हूँ, अगर आपको एक चैप्टर का टेस्ट देना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक बार चैप्टर को बस ओवरव्यू लीजिए और फिर आप अपना चैप्टर का टेस्ट दीजिए। अब उससे क्या, आपने एक बार रिस्क लिया है कि हाँ मैंने अभी उससे अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने जितना ओवरव्यू लिया उसके हिसाब से मैं जितना स्कोर कर सकता हूँ, अच्छा स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपने एक तरीके का रिस्क लिया है, ठीक है, कि वो एक टेस्ट मान लीजिए आपके टीचर ने ले रहा है, ठीक है, तो और टीचर कह दिया कि अगर आपके 30 में से 15 मार्क्स नहीं आए तो वो आपको मारेगा पीटेगा, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसे करना है, अब आपको एक बार वो क्या कहेगा कि आपको एक नोट दे देगा, ठीक है, उसमें आपको ओवरव्यू देने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देगा, ठीक है, एक 5 मिनट का टाइम देगा ओवरव्यू देने के लिए, अपने नोट्स दे देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, तो कहेगा कि तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम ओवरव्यू लो और फिर बाद में तुम्हें तुरंत टेस्ट देना है उसी चैप्टर का, और ये सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या करना है कि आपको पहले से तो रेडी रहना है, ठीक है, आप पहले से रेडी रहना, ये मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको ये करना है, ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए पहले से रेडी रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। फिर बाद में जैसे कि अगर सरप्राइज टेस्ट लिया तो उसने क्या, आपने ओवरव्यू लिया और फिर अपना रिस्क टेक, आपने वहाँ पे रिस्क ले लिया कि हाँ अब मुझे 15 मार्क्स से ज़्यादा लाने हैं, नहीं तो मार पिटाई होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको मार्क्स जो है 15 से ज़्यादा ना है, तो वहाँ पे आपने रिस्क लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिस्क टेकर बनना है। अब हम बात करते हैं मेजर मिस्टेक का थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कहता है रिकग्नाइज डेट यू आर नॉट फेलियर, रिकग्नाइज डेट यू आर नॉट फेलियर। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए, आपको ये समझ के चलिए क्या फेलियर है ही नहीं, ठीक है, आप ये समझ के चलिए आप फेलियर है ही नहीं, क्योंकि जब आप ये समझेंगे क्या फेलियर है तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस काम को अच्छी तरीके से जिस तरीके से आप पहले पावर में कर सकते थे, मोटिवेटेड रहकर कर सकते थे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, तो आप हमेशा ये मान के चलिए आप हमेशा सही हैं, सक्सेस की कर रहे हैं, ठीक है, फेलियर आपको नहीं बनना है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेजर पॉइंट का फोर्थ पॉइंट, ठीक है, मेजर मिस्टेक का फोर्थ पॉइंट कहता है सेलिब्रेट योर फेलियर्स। अब यहाँ पे क्या करना है, मीन जब आप हारे हैं उसे आप सेलिब्रेट करिए, हाँ जब आप हारे हैं उसे आप सेलिब्रेट करेंगे तो उससे क्या आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अभी बोला माइंड्स आर लाइक पैराशूट, ओनली फंक्शन व्हेन दे आर ओपन, ठीक है, दिमाग को जब आप खोलेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको दिमाग को हमेशा खोलना है, जैसे कि पैराशूट जब तक नहीं खुलता तब तक वो नहीं काम करता, इसीलिए आपको भी जब तक आपने अपना माइंड नहीं खोला है तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ गोल्डन स्टेटमेंट,
ठीक है। तो चलो ये तो हमने बात करी अपने मेजर मिस्टेक के फोर्थ पॉइंट के बारे में, ठीक है। बात करते हैं कि लॉकडाउन में मीन्स लॉकडाउन जो पीरियड चला उसमें आप क्या 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 कर सकते हैं, किस तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। मीन्स अपने टाइम को आपको इन्वेस्ट करना है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उससे कैसे मैनेज करें, पहले बात तो आप रूटीन बना लीजिए, ठीक है। रूटीन बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। क्योंकि रूटीन से और रूटीन मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया, अगर आपने मेरी एजुकेशन वाली वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें मैंने क्या बताया कि आपको रूटीन जो बनाना है वो आपको कितने दिन का बनाना है, एक दिन का बनाना है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का रूटीन बनाना है, आपको एक महीने का नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप एक महीने का बना रहे एक हफ्ते का बना तो आपसे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको एक दिन का बनाना है। जब आप डेली टास्क करेंगे और डेली टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, तो आप अगले दिन फिर वही काम करेंगे, ठीक है। तो आप अगले दिन कहेंगे आज मैं मोटिवेट हूँ तो कल मैं फिर से वही करूँगा, ठीक है। तो इस तरह आपको डेली टास्क बनाना है, ठीक है। तो ये बात कर ली। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपको बॉडी इज अ टेम्पल, मीन्स बॉडी को एक मंदिर मान के चलिए, ठीक है। कि इस तरीके से आप बॉडी को एक गॉड समझ के चलिए, ठीक है। मींस एक बॉडी को पूरा हार्ट समझ के चलिए, ठीक है। हार्ट एंड सोल समझिए कि जब तक आप उसे एकदम अच्छे से रखेंगे तब तक वो आपका साथ देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लॉकडाउन में जैसे कि बहुत जैसे लोग अभी हम लोग को बाहर नहीं जाना है, ठीक है, कोई ऑयली फूड नहीं खाना, इसलिए हम लोग घर में ही रहना है लॉकडाउन में और अच्छे तरीके से खाना खाना है, ठीक है। एकदम हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। फिर आती है तीसरी बात, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है कि लेस इज मोर, ठीक है। लेस इज मोर मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स कम है वही ज़्यादा है, ठीक है। कैसे है कि देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप भले ही उसे ना करिए तो ये तो उससे बेटर है कि आप उसे कर ही लीजिए, ठीक है। भले आप उसे थोड़ा सा ही कर लें, भले उसे पार्ट्स पार्ट में कर लें, लेकिन वो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको कोई एक दिन में पांच चैप्टर दे रहे, पांच चैप्टर आपको पूरे दिन में करने हैं, तो क्या होगा, तब तो आप घबरा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है कि आप अगर वो देख कह रहे हैं, ठीक है, तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब क्या है आपके पास, लेकिन उसने क्या दिया आपको पूरे 24 घंटे दिए और उसमें आपको पांच से छह चैप्टर भी लगातार दे रही है, ठीक है। अब वैसे क्या, अब आप डर भी जाएंगे, एक तरफ डरेंगे भी, एक तरफ कहेंगे कि हाँ अगर मेरे पास टाइम है कर लूँगा, ठीक है। अब उसमें क्या आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो आप क्या उस पांच चैप्टर को आपको लगातार नहीं करना है, ठीक है। पूरे 24 घंटे में आप उन पांच चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं लेस पार्ट्स में, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। मीन्स एक पांच चैप्टर है, पांच चैप्टर को एक एक चैप्टर करके डिवाइड कर लीजिए, फिर आप ब्रेक लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा काम करेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता है पूरा सागर, वैसे ही आपको ये। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, कीप काम एंड लिसन टू द पॉडकास्ट, ठीक है। पॉडकास्ट जैसे कि आपको क्या मैंने आपको बता दिया, हमारा पॉडकास्ट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड 6 प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरा पॉडकास्ट जो है वो एजुकेशनल पॉडकास्ट है, ठीक है। उसमें मोटिवेशन वीडियोज़ भी आ जाती हैं, ठीक। तो हमारे जो पॉडकास्ट है वहाँ पे आपको एजुकेशनल पॉडकास्ट मिल जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिल जाती है, मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी वहाँ पे पॉडकास्ट होता है। मैं आपको ये भी एक बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि पॉडकास्ट क्या है, एक ऑडियो फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि आप वीडियोज़ देखते हैं ना, तो उसको क्या है ऑडियो फॉर्म में देखिए, ठीक है। ऑडियो फॉर्म में जब हम देखते हैं उसे कहते हैं पॉडकास्ट, ठीक है। जैसे कि आप कोई स्टोरी देख रहे हैं, एनिमेटेड स्टोरी, अब उसे हम अगर ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो पॉडकास्ट की कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है। तो आप वो भी जाके सुन सकते हैं, या आपको कोई और किसी और चीज़ जैसे मीन्स कैटेगरी तो बहुत ही सारी आती है, एनिमेटेड एनिमेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, बहुत हर कैटेगरी के पॉडकास्ट आते हैं। आप बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में आप जाके सुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात कर लिया हमने पॉइंट, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट हमारा न्यू हैबिट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और अभी बताऊँ, न्यू हैबिट्स लॉकडाउन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपको नहीं है जो अपनी हॉबीज़ हैं उसे कैसे आप उसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसे आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉकडाउन ने अपॉर्चुनिटी दे दी है। इस समय सब लोग घर पे ही हैं, ठीक है, तो अब क्या खाली बैठे तो उनके दिमाग में जो आता है वो लोग करते हैं, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए ना, मीन्स आप वीडियोज़ बनाइए, ठीक है। वीडियोज़ नहीं बनाना चाहते आप, कुछ और करिए, कुकिंग करिए या जो भी आपको आता है वो करिए, ठीक है। मीन जैसे कि आपको और भी कई चीज़ें आती है, जैसे कि आपको फाइनेंस में ज़्यादा नॉलेज है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप में बिजनेस में ज़्यादा नॉलेज है आप बिजनेस से रिलेटेड बता सकते हैं, ठीक है। आप एजुकेशनल से रिलेटेड है तो आप एजुकेशनल वीडियोज़ बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोज़ हो गई, एजुकेशनल वीडियोज़ हो गई, तो ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं, हर एज के लिए हर एक टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आप वो बना सकते हैं, तो ये न्यू हैबिट्स हो गई, ठीक है। वैसे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग का मतलब है कुछ नई शुरुआत करते हो, ठीक है। मीन्स जो आपने पहले पास्ट में किया है, ठीक है, उन सब चीज़ों को भूल जाइए, साइड में रखिए, ठीक है। अब हमें नए क्लास की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। मीन्स जब आप एक क्लास कंप्लीट हो जाए तो आप क्या उसे दोबारा पढ़ते हैं, नहीं ना, आप नए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ही सारी आती हैं, उन्हें आपको साइड में करके जो आपको आपके गोल तक ले जाए आपको उसे साइड में रखना है, ठीक है। आपको उसे एकदम अपनी साइड में रखना है, ठीक है। उसमें उसे आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और फिर उस लाइन में आपको चलते रहना आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें एक इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। हमें नई शुरुआत करनी है, ठीक है। पहली चीज़ हमें उसे भूल जाइए, अब जो चीज़ें होने वाली है अब आगे जो जितना बचा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिसन टू द फीडबैक। अब फीडबैक क्या कहता है भाई, देखो जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके आसपास में सराउंड में आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सब कुछ आपको कहेंगे, ठीक है। फीडबैक सब सारे लोग देंगे, ठीक है।
ठीक है, तो फीडबैक आपको मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर आपका अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आपके टीचर्स भी खुश रहेंगे। अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आपके पेरेंट्स दुख रहेंगे, ठीक है, दुखी रहेंगे, टीचर्स भी दुखी रहेंगे, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप हर बार ही सक्सेस करें या आप हर बार ही फेलियर बने, ठीक है। तो ये चीज़ कभी मत रखिए, मैंने आपको पहले बता दिया, अब भी बता रहा हूँ कि फेलियर्स तो बिल्कुल, ठीक है, फेलियर तो दिमाग में रखिए नहीं, रिकग्नाइज ही सोचिए नहीं कि हम फेलियर हैं, सोचिए ही नहीं कि हम फेलियर हैं, तो आप फेलियर होंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये सोच के रखना है। अब देखो बात आती है हमारी, कि मैंने आपको बताया कि लिसन टू द फीडबैक, ठीक है, फीडबैक में जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, जो भी लोग आपको कह रहे हैं, आपके रिजल्ट को कह रहे हैं, तो आप उसे सुनिए, ठीक है। अगर आप कुछ कोई कुछ समझा रहे हैं तो आप उसमें से आप सुनिए, उसे समझिए, और फिर आपको अगली बार में आपको उसे अच्छी तरीके से मीन्स जितना आपने, अगर आपने आज का 100% दिया है तो कल का आप 110 को सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, जितने पॉजिटिव जो फीडबैक होता है आपको उन्हें रखना है, बाकी नेगेटिव को हटा देना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और दैट इज टू गाइस नेक्स्ट पॉइंट है वो लुक फॉर दी अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अल्टरनेटिव सोल्यूशन मतलब मीन्स एक चीज़ को आप दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, या दो से तीन तरीके से। जैसे कि आपकी क्लास में 9th के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, मीन्स जैसे कि 9th के हो गए, 10th के मैथ्स के सोल्यूशंस हो गए, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चन में देखते होंगे आपके टीचर्स अल्टरनेट सोल्यूशन कराते होंगे और एक ओरिजिनल सोल्यूशन होता होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, मीन्स अल्टरनेट मतलब दो तरीके, ठीक है, मीन्स एक ही चीज़ को दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है अल्टरनेट सोल्यूशन, ठीक है। तो हर चीज़ में आप एक अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढिए, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला तो आप उसकी ट्रिक बनाइए, ठीक है, नई ट्रिक बनाइए और फिर आप उसे ढूंढिए, ठीक है। ट्रिक नहीं है तो आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं अल्टरनेट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर पॉइंट आता है हमारा लुक फॉर द न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज मतलब नए आइडियाज, ठीक है, मीन्स अगर आपको कोई चीज़ नई लर्न हो रही है तो आप उसे कैसे कैसे आप नई नई तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स जैसे कि आपका मैथ्स के सोल्यूशन होते हैं तो उसे आप कैसे उसकी ट्रिक बना सकते हैं, या कोई टेबल है उसे आप कैसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब न्यू आइडियाज से कैसे आप हर चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा जो जिस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया, जैसे कि हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, ठीक है, तो इसके ऊपर ये सारे मेजर पॉइंट्स आते हैं, और ये सारे मेजर पॉइंट्स से किसकी मिस्टेक्स आर नॉट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है। तो ये उसके पॉइंट्स थे, ठीक है, मेजर पॉइंट्स। तो मेरा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब आ रहे चैनल, बाय बाय।